हैदराबाद से जीतकर एक बार फिर संसद पहुंचने वाले AIIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज सदन में शपथ ली। शपथ में जय भीम जय तेलंगाना के साथ ओवैसी कुछ ऐसा बोल गए जिसके बाद उन्हें सफाई देनी पड़ी। AIIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा में शपथ ले रहे थे। पहले उन्होंने उर्दू में शपथ ली, फिर जाते जाते ओवैसी ऐसी बात कह गए जिस पर विवाद खड़ा हो गया। ओवैसी ने गजय भीम जय तेलंगाना के साथ जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, जिसके बाद लोकसभा कार्यवाही के रिकॉर्ड से इस शब्द को हटा दिया गया। विवाद बढ़ने पर संसद से बाहर निकले ओवैसी ने सफाई दी और कहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें जो बोलना था वो बोल दिया। दोस्तों आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोले, हम जय भीम जय भीम जय तेलंगाना जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया ऐसे बीजेपी कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है। अच्छा तो आप कह रहे हैं आपने, अरे सबने क्या क्या कहा वो जो सुन लीजिए ना, वो करते हैं उनको छोड़िए ना, बोलने का बोल दिया। अब क्या है, ओवैसी ने यह भी कहा कि मेरे कहने का उद्देश्य जो भी हो वो गांधी जी ने भी कहा है।